नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं विशेष, मैं हूँ प्रीति। भारत, चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान समेत 14 देशों के वरिष्ठ अधिकारी और 17 सहयोगी देशों के प्रतिनिधि 2 दिवसीय हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के लिए अमृतसर में जुटे। इस सम्मेलन में भी आतंकवाद का मुद्दा छाया रहा। भारत ने एक बार फिर कहा कि आतंकवाद का खात्मा किए बिना विकास संभव नहीं है। भारत ने अपने पड़ोसी देश को सलाह दी कि आतंकवाद को पालना पोसना बंद करे। सम्मेलन के घोषणा पत्र में आतंकवाद को वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा बताया गया। इसके अलावा दुनिया भर में बढ़ती कट्टरता और चरमपंथ के खतरे को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सदस्य देशों की भूमिका पर भी बात हुई। विशेष में आज हम बात करेंगे सम्मेलन के एजेंडे पर, बताएंगे सम्मेलन से हमें क्या हासिल हुआ, साथ ही बताएंगे दक्षिण एशिया में आतंकवाद क्यों बड़ी समस्या है। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। अमृतसर में हुए हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन पर आतंकवाद का मुद्दा छाया रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने इलाके से आतंकी नेटवर्क के खात्मे पर जोर दिया। मोहम्मद अशरफ गनी ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों से मदद की अपील की। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भारत के सहयोग की सराहना की। भारत के बिना शर्त सहयोग की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत ईरान और अफगानिस्तान के बीच चाबहार बंदरगाह का विस्तार क्षेत्रीय व्यापार और संपर्क के लिए बेहद अहम है। गनी ने सलमा बांध के निर्माण में भारतीय सहयोग की सराहना की। उन्होंने अफगानिस्तान में शांति के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। मोहम्मद अशरफ गनी ने कहा कि जब तक पड़ोसी मुल्कों से मदद मिलती रहेगी, उनके देश में आतंकवाद का खात्मा नहीं हो पाएगा। Whatever is acceptable, particularly to our neighbor in Pakistan, to verify cross-frontier activities and terrorist operations. Without peace, any amount of assistance will not meet the needs of our people. अशरफ गनी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर अपने को छुपा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की पनाहगाहें पाकिस्तान में हैं। उन्होंने पाकिस्तान को सलाह दी कि वो अपने यहाँ मौजूद आतंकियों का खात्मा करे। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सरहद पार से निर्यात होने वाले आतंकवाद की जाँच करने की भी मांग की। In support or tolerate these networks. One of the key figures in the Taliban movement recently said, if they did not have sanctuary in Pakistan, they would not last a month. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने अफगानिस्तान को हर संभव सहायता जारी रखने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ भारत के करीबी रिश्ते हैं और हम अफगानिस्तान में शांति लाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि आतंकवाद को आर्थिक सपोर्ट करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी होगी। For voices for peace in Afghanistan alone is not enough. It must be backed by resolute action, not just against forces of terrorism, but also against those who support shelter. प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद से लड़ाई में सबको एकजुट होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री ने दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान हमारे नेटवर्क का केंद्र बिंदु होना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यापार, पूंजी और बाजार के क्षेत्रीय माध्यमों के साथ अफगानिस्तान जितना अधिक जुड़ा होगा, उतना अधिक आर्थिक विकास एवं प्रगति की संभावना बढ़ेगी। जेरान डेलाराम हाईवे एंड इंडिया अफगानिस्तान ईरान कोऑपरेशन ऑन चाबहार वुड एनेबल अफगानिस्तान टू लिंक इट्स इकोनॉमी विद सेंटर्स ऑफ स्ट्रांग इकोनॉमिक ग्रोथ इन साउथ एशिया एंड बियॉन्ड। We also plan to connect
अफगानिस्तान विद इंडिया थ्रू एन एयर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इस साल के सम्मेलन का शीर्षक हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस इस्तांबुल प्रोसेस ऑन अफगानिस्तान था। इस सम्मेलन में दक्षिण और मध्य एशिया के साथ कई पश्चिमी देशों ने भी हिस्सा लिया। सम्मेलन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज भी मौजूद रहे। उनके मौजूद रहते पाकिस्तान की आतंकवाद को पालने पोसने की भूमिका पर चर्चा को भारत के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। पाकिस्तान के लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात कुछ और नहीं हो सकती थी, जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने साफ साफ कहा, सरताज अजीज साहब, आप अपने 50 करोड़ डॉलर अपने पास रखिए और उसे अपने देश में आतंकवाद और अतिवाद को खत्म करने में लगाइए। अब देखना यह है कि पाकिस्तान अशरफ गनी के इस आरोप का किस तरीके से जवाब देता है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ अमृतसर से अखिलेश सुमन। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के घोषणा पत्र में आतंकवाद से सख्ती के साथ निपटने पर जोर दिया गया। साथ ही पहली बार घोषणा पत्र में लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद का उल्लेख आतंकी संगठन के तौर पर किया गया। आइए जानते हैं सम्मेलन में और किन मुद्दों पर चर्चा हुई। अमृतसर में खत्म हुए छठे हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में आतंकवाद का मुद्दा छाया रहा। पाकिस्तान की सरजमीन से चल रही आतंकी गतिविधियों का मामला सम्मेलन में जोर शोर से उठा। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अलग थलग करने में ये सम्मेलन बेहद कामयाब रहा। न सिर्फ भारत बल्कि अफगानिस्तान ने भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान आतंकवाद पर अंकुश लगाने में नाकामयाब रहा है। लाहौर से बमुश्किल 30 किलोमीटर दूर सरहद के बेहद करीब आयोजित इस सम्मेलन में पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई गई। भारत ने साफ कहा कि आतंकवाद पर नकेल कसे बगैर अफगानिस्तान में शांति बहाली मुमकिन नहीं। The three big issues of the conference were: 1. Countering terrorism to create stability and security in Afghanistan. 2. Providing Afghanistan connectivity to strengthen economic activities. And 3. Development which is essential for the progress of Afghanistan. सम्मेलन के बाद जारी घोषणा पत्र में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हक्कानी नेटवर्क समेत कई संगठनों को अफगानिस्तान में शांति भंग करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। इसके साथ साथ तहरीक ए तालिबान और जमात उल अहरार को भी सूची में जगह दी गई। पाकिस्तान लगातार ये कहता रहा है कि दोनों संगठन विदेशी मदद से काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान में सक्रिय जंदुल्लाह इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान और ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के अलावा इस्लामिक स्टेट और अल कायदा के खिलाफ साझी लड़ाई की बात भी कही गई। आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र जल्द से जल्द लाए जाने पर भी प्रतिबद्धता जाहिर की गई। पहली बार ऐसा हुआ है कि अल कायदा और इस्लामिक स्टेट के अलावा इन संगठनों के नाम हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के घोषणा पत्र में जोड़े गए। इन्हें अफगानिस्तान में शांति बिगाड़ने का जिम्मेदार ठहराया गया। वहीं अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर सीधा हमला बोला। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों को शह दे रहा है। काबुल में कई आतंकी वारदातों के बाद अफगानिस्तान की पाकिस्तान के साथ बातचीत ठप पड़ी है। लिहाजा अफगानिस्तान ने यह साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आता, इलाकों में शांति मुमकिन नहीं है। 2014 में जब अशरफ गनी ने अफगानिस्तान की कमान संभाली, उसी वक्त से पड़ोसी मुल्क के साथ संबंध सुधारने की उन्होंने पहल की, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस प्रगति अब तक देखने को नहीं मिली है। We face similar problems, we face similar opportunities, and there are enormous opportunities. And I think our two leaders were able to very eloquently stress that this morning. But we also see in our region a very difficult problem of terrorism and violent extremism. We also see the problem of states nurturing and flirting with terrorism, which obviously not only has consequences for them for themselves, but also consequences for the region as a whole. अफगानिस्तान में शांति बहाली और आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए पिछले साल भी सदस्य देशों ने प्रतिबद्धता जाहिर की थी।
लेकिन साल भर हो गए अफगानिस्तान में स्थिरता बहाल नहीं हो पाई। छठे सम्मेलन में एक बार फिर वही बात हुई जो 2015 में हो चुकी थी, लेकिन इस बार भाषा ज्यादा तल्ख और रवैया ज्यादा आक्रामक दिखा। सदस्य देशों ने दो टूक शब्दों में ये कहा कि आतंकवाद पर काबू पाना फिलहाल इलाके में शांति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। The declaration recognizes terrorism as the biggest threat to peace and stability and demands immediate end to all forms of terrorism and all support financing safe havens and sanctuaries to it. For the first time, a Heart of Asia declaration expressed concern at the violence caused in Afghanistan and the region by terrorist groups like Al-Qaeda, Daesh, Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed, etc. Apart from calling for concerted international cooperation in this area. अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन तालिबान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात की गई। आपको बता दें कि आतंकी वारदातों के चलते अफगानिस्तान में लोग वतन छोड़ने पर आमादा हैं। जो बाहर नहीं जा पाते वो देश के भीतर ही विस्थापितों की जिंदगी जी रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अकेले इस साल 5 लाख से ज्यादा लोग आतंकी वारदातों के चलते विस्थापित हो चुके हैं। पाकिस्तान पर जब इसके लिए उंगली उठाई गई तो उसने सारे इल्जामों को सिरे से खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने साफ कहा कि तहरीक तालिबान की हिंसा से वो खुद पीड़ित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हाल के सालों में आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए बड़ी समस्या बन गया है। तकरीबन पूरा दक्षिण एशिया आतंकवादी गतिविधियों की मार झेलने को मजबूर है। आतंकवाद का खात्मा बड़ी चुनौती बन चुका है। दक्षिण एशिया के तमाम देश इस चुनौती से निपटने के रास्ते खोज रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद ने पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया है। तस्वीर दर तस्वीर आप देखते जाइए, पेरिस, नीस, ब्रसल्स। इन हमलों ने जब यूरोप समेत पूरी दुनिया को झकझोरा तो आतंक के खिलाफ कार्रवाई की पहल एक बार फिर तेज हुई। लेकिन पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के देशों में ऐसी घटनाएं बेहद आम हैं। इतनी आम के लोग इनसे चौंकते तक नहीं हैं। अफगानिस्तान भी इन्हीं खतरनाक देशों की सूची में शुमार है। 2001 से लेकर कई वर्षों तक खूनी बमबारी की मार झेल चुका अफगानिस्तान गर्दो गुबार से उबर ही रहा था कि कई आतंकी संगठनों ने फिर से मुंह उठा लिया। अशांति और अस्थिरता का दौर आज भी पहले की तरह जारी है। पे आपको पता होगा, नेटो का एक गठबंधन है जो फॉरेन फोर्सेस है, उसका लीडरशिप यूएस के साथ है, लेकिन एक साथ मिलजुल के इस खित्ते के जो मुल्क है अफगानिस्तान में काम नहीं कर रहे। एक बहुत बड़ा पावर इस खित्ते में है चाइना, लेकिन चाइना भी जो काम कर रहा है अफगानिस्तान में वो अपने आप अलग से कर रहा है। तो शायद मैं सोचता हूँ कि अभी बहुत ही ज़रूरी है कि इस खित्ते के जो बड़े बड़े पावर्स है वो एक साथ आए, एक साथ काम करें। लेकिन इसमें भी एक बाधा है और वो बाधा है पाकिस्तान। यहाँ पर डिक्लेरेशन भी दिया गया है, जो आतंकवादी ऐसे गुट हैं उनके विरुद्ध मिलकर काम करना चाहिए, और जो देश उनको पनप देते हैं, उनको शरण देते हैं, उनके सपोर्ट करते हैं, फाइनेंस करते हैं, फंड करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उन देशों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी चाहिए। अफगानिस्तान के लिए आतंकी घटनाएं रोजमर्रा की खबर बन गई हैं। बीते साल इस्लामाबाद में जब हार्ट ऑफ एशिया की 5वीं बैठक हुई तो अफगानिस्तान ने इस पर जोर दिया कि तालिबान के साथ शांति वार्ता में पाकिस्तान मदद करे। नवाज शरीफ ने उस वक्त ये कहा था कि हालात में सुधार के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन पूरा मामला पटरी पर लौटा ही नहीं। असल में मामला सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है, और ना ही अफगानिस्तान की अशांति सिर्फ अफगानिस्तान तक। 2011 में तुर्की में हुए पहले सम्मेलन में भी सभी सदस्य देशों ने ये तय किया था कि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की दरकार है। दक्षिण एशिया खासकर इससे बुरी तरह पीड़ित है। हाल के महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह तनातनी संबंध रहे हैं उसके लिए सीधे तौर पर आतंकवाद जिम्मेदार है। केवल अफगानिस्तान में ही नहीं, भारत में ही नहीं,
परंतु पूरे क्षेत्र में पाकिस्तान से आतंकवाद चारों तरफ फैलता है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था गोवा में ब्रिक्स समिट के बारे में, जो वो पाकिस्तान मदरशिप ऑफ टेररिज्म है, तो यहाँ पर भी उन्होंने यही कहा। जो केवल उनको कंडेम करने से, आवाज़ देने से कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा, सभी देशों को मिलकर कंसर्टेड डिसाइसिव रेजोल्यूट एक्शन लेने की आवश्यकता है। मौजूदा सम्मेलन के घोषणा पत्र में कई नए आतंकी संगठनों को शामिल किए जाने से ये उम्मीद बंधी है कि इन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा। हार्ट ऑफ एशिया के सदस्य देशों की प्रगति तब तक मुमकिन नहीं है जब तक इन इलाकों में शांति बहाल ना हो। असल में इसके 14 सदस्य देशों के अलावा समर्थन देने वाले 30 अन्य देश और संगठन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रसूख के लिए जाने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र, सार्क, नाटो और एडीबी समेत कई संगठन ऐसे हैं जिनका एशिया के इस इलाके में शांति पर जोर है। भारत भी चाहता है कि अफगानिस्तान के रास्ते मध्य पूर्व के देशों में व्यापारिक संबंध बहाल किए जाएं। यही कारण है कि भारत लगातार हार्ट ऑफ एशिया में सक्रिय भूमिका अदा करता रहा है। आतंकवाद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय गोलबंदी के लिहाज से भी हार्ट ऑफ एशिया को भारत अहम मंच मानता है। पठानकोट हमले के बाद से ही भारत ने इस दिशा में गोलबंदी तेज कर दी है, लेकिन उड़ी हमले के बाद भारत फौरन इस दिशा में मजबूत रोड मैप बनाने की कोशिश में जुटा है। ऐसे में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के जरिए अगर आतंकवाद के खिलाफ मजबूत कार्रवाई का संदेश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाता है तो ये एशिया में शांति बहाली के लिए बेहद अहम साबित होगा। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन की शुरुआत साल 2011 में हुई थी। इसका मकसद अफगानिस्तान और इसके पड़ोसियों के बीच सुरक्षा, राजनीति और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीति के लिहाज से ये सम्मेलन बेहद अहम माना जाता है। आइए देखते हैं क्या है हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का इतिहास। पिछले कई दशकों से अफगानिस्तान आतंक की आग में झुलस रहा है। अब चाहे उसे तालिबान का नाम दिया जाए, हक्कानी का या फिर अलकायदा, वक्त वक्त पर अफगानिस्तान की धरती धर्म के नाम पर दहशत का शिकार बनती आई है। जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी उन हाथों में हथियारों ने जगह ले ली है। मजहब के नाम पर युवाओं को पहले तो बरगलाया गया और फिर उन्हें हैबत से लदे इस नर्क में धकेल दिया गया। ये पिछले कई दशकों की दास्तां है। अफगानिस्तान में एक उज्जवल भविष्य तो दूर, जिंदगी बचाना भी एक मकसद जैसा ही है। पिछले कई सालों में सामने आई इन तमाम तस्वीरों ने अफगानिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इन्हीं तस्वीरों का शिकार दुनिया का सुपर पावर मुल्क अमेरिका तक बना। सालों के आतंक के बाद 2011 में एशिया के 14 देशों ने मिलकर एक नया बीड़ा उठाया, और वो बीड़ा था शांति का, समाज का, अफगानिस्तान के सुधार का। इस मुहिम को नाम दिया गया हार्ट ऑफ एशिया। पिछले 5 सालों में एशिया के 14 देश इस मंच को साझा करते आ रहे हैं। 2011 में इस्तांबुल प्रोसेस के तहत हार्ट ऑफ एशिया का आगाज किया गया था। ये मुख्य रूप से अफगानिस्तान को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा का एक मंच है। अफगानिस्तान में शांति और विकास के लिए किस तरह का सहयोग किया जाए और परिणाम स्वरूप इस पूरे इलाके में भी शांति बरकरार रहे, हार्ट ऑफ एशिया का असल मकसद यही है। एशिया के 14 देशों ने मिलकर इसकी शुरुआत की, जिनमें अफगानिस्तान, भारत, चीन, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिज, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान और यूएई शामिल हैं। वहीं अमेरिका समेत पश्चिमी और मध्य पूर्व के कई देश इस पूरी मुहिम को बाहर से समर्थन कर रहे हैं, जबकि यूएन, नाटो, सार्क, एससीओ और ओआईसी सहयोगी संगठनों में शुमार हैं। इस सम्मेलन का जोर 3 प्रमुख बिंदुओं पर दिया गया, मसलन अफगानिस्तान और पड़ोसियों को शामिल करते हुए राजनीतिक चर्चा करना, विश्वास बहाली के उपायों पर अमल सुनिश्चित करने को लेकर बातचीत और अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाली संस्थाओं और क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग का दायरा बढ़ाना।
हालांकि विश्वास बहाली के उपायों के तहत आपदा प्रबंधन, आतंकवाद से लड़ाई, ड्रग्स के अवैध कारोबार से निपटना, व्यापार वाणिज्य निवेश को बढ़ावा देना, बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाना और शिक्षा पर जोर देने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान, पीस, सिक्योरिटी, फिर उसके अलावा आतंकवाद पे किस तरह से रोक लगाई जाए, उसके लिए ज़रूरी है डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, जो गुर्बत वहाँ पे है उसको ख़त्म करना, ये मेन मुद्दा है ताकि दोबारा से अफगानिस्तान में क्योस एंड अनार्की ख़त्म हो और वहाँ पे एक स्ट्रांग गवर्नमेंट बने। 2011 में तुर्की, 2012 में काबुल, 2013 में कजाकिस्तान के अल्माटी, 2014 में बीजिंग, जबकि 2015 में इस्लामाबाद में पांचवी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इन सभी सम्मेलनों में अफगानिस्तान के अंदरूनी हालातों पर एशिया के 14 देशों ने गहरी चर्चा की और हर साल अफगानिस्तान के विकास के लिए कदम आगे बढ़ाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अफगानिस्तान पिछले कई दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका ये खूबसूरत मुल्क शांति और विकास की नई इबारत लिखने के लिए बेचैन है। पुनर्निर्माण के काम में अफगानिस्तान को दुनिया के कई देश मदद कर रहे हैं। अफगानिस्तान में संसद भवन के निर्माण, सैन्य साजो सामान की आपूर्ति के अलावा भारत ने अफगानिस्तान में कई अहम परियोजनाएं पूरा करने में मदद की है। आइए जानते हैं कैसे बदल रहा है अफगानिस्तान। भारत के अफगानिस्तान के साथ रिश्ते बरसों पुराने हैं। भारतीय फिल्म, संगीत और संस्कृति की छाप अफगानिस्तान में साफ देखी जा सकती है। अफगानिस्तान में मुजाहिदीन आंदोलन के दौरान भारत की भूमिका थोड़ी सीमित हुई, लेकिन भारत ने अफगानिस्तान को पूरी तरह कभी नहीं छोड़ा। तालिबान के शासनकाल में भी लोकप्रिय अफगान नेताओं और जनता के साथ भारत ने रिश्ते बनाए रखे और तालिबान के खिलाफ संघर्ष में नैतिक समर्थन जारी रखा। उस दौर में लोकतंत्र की बहाली और अफगानिस्तान की जनता के लिए अधिकारों की वकालत भारत पुरजोर तरीके से करता रहा। वहाँ पर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे पुले खुमरी ट्रांसमिशन लाइन, पावर ट्रांसमिशन लाइन, या फिर एक बहुत महत्वपूर्ण रोड है जरांज देलाराम रोड, या वहाँ पर उनको हेलीकॉप्टर, मिलिट्री अटैक हेलीकॉप्टर्स देना, जो कि उनकी आर्मी की, सेना की बहुत अच्छी सहायता कर रहे हैं। 2001 में अमेरिकी हमले के बाद अफगानिस्तान को तालिबान के शासन से मुक्ति मिली। तालिबानी चले गए, लेकिन उनका खौफ कायम था। सत्ता से बेदखल होने के बाद तालिबान ने हिंसा जारी रखी। अफगानिस्तान में लोकतंत्र की बहाली, शांति की स्थापना और देश का पुनर्निर्माण इस दौर की बड़ी चुनौतियां थी। अमेरिका समेत तमाम देश सुरक्षा और दूसरी वजहों से अफगानिस्तान में पैसा लगाने से परहेज कर रहे थे। ऐसे में भारत ने चुनौती को स्वीकार किया और पुरानी दोस्ती के नाम पर अफगानिस्तान की मदद करने का फैसला किया। या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कैपेसिटी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे ऐसे हमने वहाँ पर उनको सहायता दी है। और हमारे लिए जो सबसे महत्व है, जो वहाँ पर शांति हो, अगर अफगानिस्तान में अशांति होगी तो भारत में भी शांति नहीं हो सकती। भारत ने अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण से जुड़ी कई अहम परियोजनाएं पूरी करने की जिम्मेदारी ली। युद्ध से बदहाल हो चुके अफगानिस्तान में भारत ने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, संचार, जल और दूसरी ढांचागत परियोजनाएं शुरू की। अफगान सुरक्षा बलों और प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी भी भारत ने ली। इसके अलावा अफगानिस्तान को आर्थिक, तकनीकी और मानवीय सहायता देने पर भी सहमत हुआ। खराब हालात में भी भारतीय पुनर्निर्माण के काम में दिन रात जुटे रहे। जी देखिए, हमने पिछले साल, आपको पता होगा, थोड़ा सा हमने अपने स्टैंड जो है अफगानिस्तान के ऊपर हमने थोड़ा सा चेंज किया है। पहले हम सिर्फ सिविलियन असिस्टेंस देते थे, अब हमने थोड़ा सा मिलिट्री हथियार भी देना आरंभ किया है। पिछले साल हमने 4 हेलीकॉप्टर्स देने के लिए हमने अनाउंस किया था, और इसके बाद हमारा सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन तो जारी ही है। और दूसरी तरफ हमारे वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन में एक बहुत बड़ा भूमिका रहा है। हमने डैम बनाए हैं, हमने सड़क बनाए हैं, और ये सब जो अफगानिस्तान के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 2009 में भारत ने अफगानिस्तान की संसद के नए भवन के निर्माण का काम शुरू किया था। इसकी लागत करीब 710 करोड़ रुपए थी। इसमें 350 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए।
2011 में सामरिक साझेदारी समझौते के बाद भारत ने अफगानिस्तान की 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक मदद की है। 2011 से 2014 के बीच में अफगानिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में 80% की वृद्धि हुई। हेरात में सलमा बांध परियोजना के लिए भारत ने 1775.69 करोड़ रुपए दिए हैं। देशी चरिकार विद्युत सब स्टेशन की स्थापना भारत ने की है। इसके अलावा काबुल और हेरात समेत कई शहरों में भारत सड़क और सरकारी भवनों का निर्माण कर रहा है। मोहम्मद फातिह टीपू के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल विशेष में इतना ही। नमस्कार।